नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान की नदियां, और देखें तो राजस्थान की नदियों में से प्रश्न भी कुछ ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा राजस्थान की नदियां, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र। इसी के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपके नया टॉपिक भी जुड़ा है, और विशेष रूप से और अच्छे से आप इस टॉपिक को पढ़ें। देखें आप जो टॉपिक है उसको आप देखते हुए चलें। जो टॉपिक आपके दिया हुआ है आप ध्यान रखें, राजस्थान में अपवाह तंत्र, राजस्थान में अपवाह तंत्र, राजस्थान में अपवाह तंत्र, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि राजस्थान में नदियां। या तो अपवाह तंत्र शब्द बोले या फिर आप राजस्थान में नदियां शब्द बोले इसे। अब देखें प्रश्न कैसे पूछा जाता है। राजस्थान में आप ध्यान रखें तीन प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां, और एक आंतरिक प्रवाह की नदियां जो ना तो अरब सागर में जल ले जाती हैं और ना बंगाल की खाड़ी में। अब राजस्थान में आप देखें तो अपवाह तंत्र की बात करें तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें, राजस्थान में तीन प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। कितने प्रकार का अपवाह तंत्र? तो ध्यान रखें तीन प्रकार का। कौन कौन सा है? नंबर एक पर आप देखें, नंबर एक, और नंबर एक पर आप ध्यान रखें अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र। इसका अर्थ क्या हुआ? राजस्थान की वे नदियां जो अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, और ये राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है ये ध्यान रखें 17.4%, अर्थात राजस्थान में बहने वाली कुल नदियों का 17.4% नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। इसी क्रम में यदि दो नंबर पे देखें तो दो नंबर पे आता है फिर बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और ये देखें तो राजस्थान में है 22.4%, अर्थात ये अरब सागर से देखें तो अधिक है। और इसी क्रम में यदि तीन नंबर पे देखें तो तीन नंबर पे आता है आंतरिक प्रवाह की नदियां, या तो आप इसे आंतरिक प्रवाह की नदियां कहें या आप इसे अंतः प्रवाह की नदियां कहें, आंतरिक प्रवाह या अंतः प्रवाह की नदियां, और ये राजस्थान में देखें तो कुल है 60.2%, और जब इनको जोड़ते हैं तो ये टोटल हो जाता है 100%। अब विशेष रूप से आप समझें, राजस्थान में तीन प्रकार का अपवाह तंत्र है। अरब सागर का अपवाह तंत्र जो 17.4% है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र जो 22.4% है, और आंतरिक प्रवाह की नदियां जो राजस्थान में आप ये कह सकते हैं सर्वाधिक, राजस्थान में यदि सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं तो वो आंतरिक प्रवाह की नदियां पाई जाती, ये आप विशेष रूप से याद रखें। अब इसके बाद देखें तो हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि अरब सागर में तो कौन कौन सी नदियां जल ले जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां अपना जल ले जाती हैं, और अंतः प्रवाह की नदियां कौन कौन सी। अलग अलग तरीके से आप इन्हें समझें। पहले तो हमें उन नदियों को याद रखना है जो अपना जल अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंतः प्रवाह में ले जाती हैं, और फिर एक एक करके हमें सभी नदियों को अच्छे से पढ़ना है। तो पहले आप देखें, एक नंबर पे हम शुरू कर रहे हैं अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां, पहले आप इन्हें अच्छे से याद रखें। तो इसी क्रम में यदि आगे चलें, इसी क्रम में यदि आगे चलते हैं तो देखें नंबर एक, और नंबर एक पर हम लिख रहे हैं
अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां। अब अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, आप एक बार अच्छे से इन्हें देखें। अरब सागर की बात करें तो ध्यान रखें, अरब सागर में एक तो नदी जल ले जाती है साबरमती, साबरमती, साबरमती के बाद जल ले जाती है लूनी, और एक देखें तो आती है माही। साबरमती, लूनी, माही, यहां से देखें तो एक नदी और है सोम, एक नदी है जाखम, और एक नदी है पश्चिमी बनास। इन नदियों की बात करें तो ये नदियां अपना जल ले जाती हैं अरब सागर में। कौन कौन सी नदियां देखें, साबरमती, लूनी, माही, सोम, जाखम और पश्चिम बनास। इनमें से यदि कोई सी भी नदी आपको दिखे तो आपका राइट ऑप्शन होगा अरब सागर। एक बार सभी नदियों को याद कर लें, फिर हम एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। देखें इसी क्रम में यदि नंबर दो पे देखें तो इसी क्रम में नंबर दो पे आती हैं बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। अब बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां अपना जल ले जाती हैं तो आप देखें, बंगाल की खाड़ी में देखें नदियां तो एक तो ध्यान रखें बेड़च, एक बनास, एक चंबल। बेड़च नदी, बनास नदी और चंबल नदी। फिर आप देखें तो एक नदी आ जाती है बाणगंगा, बाणगंगा के बाद देखें तो एक नदी आ जाती है गंभीरी, बाणगंगा के बाद गंभीरी, बाणगंगा है, गंभीरी है। फिर आप देखें तो एक आ जाती है पार्वती, यहां से देखें तो एक नदी आ जाती है फिर काली सिंध, इसके बाद आप देखें तो एक नदी आ जाती है खारी, और एक नदी आ जाती है कोठारी। ये नदियां ध्यान रखें सबकी सब अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं याद करें, बेड़च, बनास, चंबल, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, एक काली सिंध, खारी और कोठारी। लेकिन देखें तो इन नदियों की भी फिर सहायक नदियां हैं। जब एक एक नदी को हम पढ़ेंगे तो इनकी सहायक नदियां भी हम पढ़ते चलेंगे जो डायग्राम के माध्यम से हम पढ़ेंगे। याद करें एक बार मेरे साथ साथ अच्छे से देखें, अरब सागर में जल ले जाने वाली जो नदियां हैं साबरमती, लूनी, माही, सोम, जाखम और पश्चिम बनास, बंगाल की खाड़ी बेड़च, बनास, चंबल, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, काली सिंध, खारी और कोठारी। विशेष रूप से ध्यान रखें इन नदियों को। इसी क्रम में आगे चले तो तीन नंबर पे आती आंतरिक प्रवाह की नदियां, इसी क्रम में नंबर तीन, और इसी क्रम में नंबर तीन देखें तो आपको याद होगा अच्छे से, नंबर तीन, और नंबर तीन पे आती हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां, और आंतरिक प्रवाह की नदियां देखें तो राजस्थान में ये सबसे ज्यादा पाई जाती हैं जो कि 60.2% है। अंतः प्रवाह की नदियां कौन कौन सी आप एक बार अच्छे से समझें, अंतः प्रवाह की नदी में देखें तो एक तो आती है कांकनी, जिसको कांकने भी कहते हैं, एक आती है कांटली, और एक आती है यहां से साबी। कांकनी, कांटली और साबी, यहां से देखें तो एक नदी फिर आ जाती है साबी, फिर एक आ जाती है रूपारेल,
फिर एक आ जाती है रूपनगढ़, और फिर एक अंतःप्रवाह की जो सबसे बड़ी नदी है वो आ जाती है घग्गर नदी। एक देखें तो इसी क्रम में आप ये कह सकते हैं मेंथा, मेंथा या इसको आप कह सकते हैं मेंडा नदी। ये नदियां वो हैं जो अपना जल ना तो अरब सागर में ले जाती हैं ना बंगाल की खाड़ी, अर्थात एक निश्चित स्थान से निकलती हैं और कुछ दूर बहने के बाद ये नदियां विलुप्त हो जाती। कौन कौन सी नदियां हैं? कांकनी, कांटली, साबी। इधर से देखें तो आप ये कह सकते हैं कांटली, कांकनी, साबी को दो बार लिख दिया है हमने, कोई बात नहीं। यहां से आप देखें कांटली है, कांकनी है, साबी है, रूपारेल, रूपनगढ़, घग्गर और मेंथा। ये वो नदियां हैं जो अपना जल ना तो अरब सागर और ना बंगाल की खाड़ी। विशेष रूप से आप इनके नाम ध्यान रखें। अब जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है या कौन सी नदी जल नहीं ले जाती है? तो जितनी भी जो नदियों के नाम हमने पढ़े हैं, आप एक एक नाम को अच्छे से ध्यान रखें। कौन सी नदी अरब सागर की है, कौन सी बंगाल की खाड़ी की है और कौन सी नदी अंतःप्रवाह की नदी है, तीनों को आप विशेष रूप से याद रखें। अब देखो, जब तीनों प्रकार की नदियां आपको याद हैं, अब इनको एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। और एक नंबर पे सबसे पहले शुरू करते हैं अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां। अब एक नंबर पे शुरू करते हैं, आप ध्यान रखें नंबर एक। और नंबर एक पे शुरू करते हैं अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां। और अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों में हम एक नंबर पे पढ़ रहे हैं लूनी नदी। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों में एक नंबर पे हम शुरू कर रहे हैं लूनी नदी। पर ये ध्यान रखें, पहले आप डायग्राम को अच्छे से समझें। जब डायग्राम आपको क्लियर समझ में आ गया तो समझ लेना लूनी नदी, उसकी विशेषताएं और उसकी सहायक नदियां आपकी सभी क्लियर हो जाती हैं। आप एक बार डायग्राम को अच्छे से समझें, पर ये ध्यान रखें नदी कौन सी पढ़ रहे हैं हम, लूनी नदी। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और देखें यहां से लूनी नदी की बात करें तो ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। लूनी नदी की यदि बात करें तो राजस्थान के 6 जिलों में, यहां से आप देखें तो जिला शुरू किया है अजमेर। राजस्थान में जिलों की शुरुआत करें तो एक नंबर पे जिला है अजमेर। अजमेर के बाद देखें तो फिर ये नदी जाती है नागौर। अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद आप देखें तो ये नदी जाती है फिर पाली। पाली के बाद देखें तो ये नदी जाती है फिर जोधपुर। पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद देखें तो ये नदी जाती है फिर बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद देखें तो ये नदी जाती है फिर जालौर। और जालौर के बाद ये नदी प्रवेश कर जाती है गुजरात। और गुजरात में देखें तो ये नदी प्रवेश करती है कच्छ के रण। गुजरात में ये नदी देखें तो कच्छ के रण में प्रवेश करती है। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें, इस तरीके से आप देखें तो बहती है लूनी नदी। अब देखें लूनी में, इस तरीके से आप लूनी को याद रखें, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, फिर जालौर, बाड़मेर और फिर गुजरात, इस तरीके से बहती है ये नदी। और इस नदी का नाम है लूनी नदी। विशेष रूप से ध्यान रखें, राजस्थान के ये 6 जिलों में बहती है। अब कहां कहां से उद्गम होता है, क्या इसकी विशेषता है, पूरी विशेषता आप इसी डायग्राम में समझ लें। देखें यदि इसके उद्गम की बात करें तो ध्यान रखें इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ी। इसका जो उद्गम होता है
वो अजमेर से अजमेर की नाग पहाड़ी और नाग पहाड़ी के पास ही झील पड़ती है आना सागर झील। नाग पहाड़ी आना सागर झील जो अजमेर में है। और ध्यान रखें इस नदी को उद्गम स्थल जहां से इस नदी का उद्गम होता है अर्थात नाग पहाड़ी, यहां उद्गम स्थल पर इस नदी को कहा जाता है सागरमती। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, लूनी नदी को उद्गम स्थल पर कहते हैं सागरमती। लेकिन यही अजमेर में थोड़ा आगे चल के गोविंदगढ़ नामक स्थान है और गोविंदगढ़ नामक स्थान पर इस नदी को कहते हैं सरस्वती। और इसी क्रम में पुष्कर, और पुष्कर में इस नदी को कहा जाता है साकरी। पुष्कर में देखें तो इस नदी को साकरी के नाम से जाना जाता है। जैसे ही पुष्कर से आगे निकलती है तो इस नदी को लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। अर्थात अजमेर में ही देखो इस नदी के नाम क्या क्या हैं, सागरमती, सरस्वती, साकरी और लूनी। ये साकरी जो शब्द है ये ध्यान रखें पुष्कर जिले में साकरी शब्द के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखें तो नागौर, नागौर के बाद पाली और पाली के बाद जोधपुर। जोधपुर में देखें तो इस नदी पर एक बांध है और इस बांध का नाम है बिलाड़ा बांध। जो बिलाड़ा बांध है वो लूनी नदी पर, ध्यान रखें जोधपुर जिले में है बिलाड़ा बांध। और इसी जोधपुर जिले में देखें तो एक है जसवंत सागर, जसवंत सागर बांध है जिसे पिचियाक बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी पानी की आपूर्ति देखें तो लूनी नदी ही करती है। और इसके बाद देखें तो बाड़मेर, और बाड़मेर में इस नदी पर एक बांध है और उस बांध का नाम है नाकोड़ा बांध। जो बाड़मेर में इस नदी पर बांध है उस बांध का नाम है नाकोड़ा बांध। विशेष रूप से ध्यान रखें। एक चीज और देखें आप यहां से, ये जो बाड़मेर जिला है इस बाड़मेर जिले में यहां एक स्थान पड़ता है और इस स्थान का नाम है बालोत्रा। बालोत्रा नामक स्थान देखें तो बाड़मेर जिले में पड़ता है और ये वो बालोत्रा नामक स्थान है जहां से लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। अर्थात इस स्थान के बाद खारा हो जाता है। बालोत्रा से पहले देखें तो लूनी नदी का पानी मीठा होता है। इसी कारण लूनी नदी को खारी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेष रूप से आप याद रखें। उसके बाद ये नदी देखें तो जालौर, और जालौर में इस नदी को कहा जाता है रेल या फिर नेहड़। जालौर में इस नदी को, ध्यान रखें, रेल या नेहड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी क्रम में यदि आगे चलें तो फिर गुजरात, कच्छ के रण, और कच्छ के रण के बाद ये नदी अपना जल अरब सागर में ले जाती है। ध्यान रहेगा लूनी नदी आराम से। अब देखो इसी के साथ हमसे पूछता है लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं उन्हें देखें आप एक एक अच्छे से। लूनी नदी की जो सहायक नदियां हैं उन्हें आप समझें। देखो लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, एक एक को याद करते हुए चलें मेरे साथ साथ ही। एक तो लूनी की सहायक नदी है जो नागौर से निकलकर जोधपुर में आके मिलती है। ये नदी नागौर से निकलती है और जोधपुर में आकर देखें तो लूनी नदी में मिल जाती है, और इस नदी का नाम है जोजड़ी नदी। इस नदी का नाम है जोजड़ी नदी। और जिस नदी के नीचे अंडरलाइन करके यदि एरो की लगा दें तो ध्यान रखें उस नदी का उद्गम होगा वो। और जोजड़ी नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है पांडलू गांव।
और ये पांडलु गांव आप देखें तो नागौर में स्थित है। लूनी नदी का उद्गम नागौर के पांडलु गांव से होता है। और ये जोधपुर में आकर आप देखें तो ये लूनी नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसी क्रम में यदि आप एक नदी देखो जोजडी की, विशेषता यही याद कर लेना, ये जोजडी नदी लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो इसके दाई ओर से मिलती है। एकमात्र सहायक नदी मैं यहां लिख देता हूं शॉर्ट में ही, एकमात्र सहायक नदी जो लूनी के दाई ओर से मिलती है और यही एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता, जबकि इसकी सभी सहायक नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। और इसी जोजडी नदी को ध्यान रखें जोधपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी क्रम में यदि आगे चलें तो एक नदी ध्यान रखें पाली से निकलकर पाली जिले में ही मिल जाती है। पाली से निकलती है और पाली जिले में ही मिल जाती है। इस नदी का नाम देखें तो इस नदी का नाम है बांडी नदी। जो बांडी नदी है ये भी लूनी की सहायक नदी है बांडी नदी, और ये पाली से निकलकर पाली में ही मिल जाती है। यही बांडी नदी है जिसका ऊपर देखें तो पाली में हेमावास बांध स्थित है, वो यही बांडी नदी है जिस पर हेमावास बांध बना हुआ है। ठीक है, इसी क्रम में देखें तो ध्यान रखें एक नदी पाली से निकली जालौर में बहती हुई बाड़मेर जिले में आके मिल जाती है। पाली, पाली के बाद जालौर और जालौर के बाद बाड़मेर में आके मिलती है। और इस नदी का नाम आप ध्यान रखें, इस नदी का नाम है सूकड़ी नदी। इस नदी का नाम आप देखें तो सूकड़ी नदी है जो पाली, जालौर और बाड़मेर में बहती है। किसकी सहायक नदी हुई है? लूनी की। जोजड़ी, बांडी और सूकड़ी। ठीक है, सूकड़ी नदी का उद्गम आप देखें तो सूकड़ी नदी का उद्गम पाली से ही होता है, जो आपने सुना होगा देसूरी की नाल, विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसी सूकड़ी नदी पर जालौर में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बांकली बांध। हालांकि एक थ्योरी के रूप में अलग से भी देखेंगे हम इन चीजों को, पहले यहां समझ ले आप एक बार। एक नदी और देखें तो पाली से निकलकर ये भी जालौर में बहती हुई बाड़मेर में जाके मिलती है। पाली से निकली, जालौर में बही, फिर बाड़मेर में जाके मिल जाती है। और इस नदी का नाम है जवाई नदी। जवाई नदी, जो जवाई नदी है ये पाली से निकलकर जालौर में बहती हुई बाड़मेर जिले में जाके मिलती है। और इस जवाई नदी के यदि बात करें उद्गम की तो जवाई नदी का उद्गम होता है गोरिया गांव से, और गोरिया गांव देखें तो पाली में पड़ता है। इसी जवाई नदी पर देखें तो पाली में देखें तो जवाई बांध स्थित है, और इसी जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। बिल्कुल इसी क्रम में आप देखें तो एक नदी और भी है जो पाली से निकलकर जालौर में बहती हुई, ये भी बाड़मेर में जाके मिल जाती है। और इस नदी का नाम आप देखें तो इस नदी का नाम है मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी, मीठड़ी नदी देखें तो पाली से निकलकर बाड़मेर में मिलती है, और मीठड़ी नदी का उद्गम होता है सोजत की पहाड़ी। सोजत की पहाड़ी, और ये सोजत की पहाड़ी देखें तो मुख्य रूप से पाली जिले में स्थित है। क्लियर है यहां तक की स्थिति? उसके बाद आप देखें तो एक नदी और समझें, अजमेर से निकलकर ये पाली में जाकर मिल जाती है। अजमेर से निकली और पाली में जाके मिल जाती है। इस नदी का नाम है लीलड़ी नदी। जो लीलड़ी नदी है अजमेर से निकलकर और पाली में जाकर मिल जाती है। और भी इसकी सहायक नदियां देखें तो कुछ और भी हैं सहायक नदियां, जैसे सागी है, घुईया है,
ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखें आप एक बार अच्छे से समझें, ये लूनी नदी की बात है, आप अच्छे से समझें एक बार, समझ में अच्छे से आ ही रहा होगा, क्लियर दिख रहा है आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से, ठीक है। देखें उद्गम की बात करें तो नाग पहाड़ी आना सागर झील अजमेर, अजमेर में इस नदी को सागरमती सरस्वती साकरी कहते हैं। उसके बाद जोधपुर में इस नदी पर बिलाड़ा बांध बना हुआ है, तो बाड़मेर में नाकोड़ा बांध है। बाड़मेर में स्थित बालोत्रा के बाद इसका पानी खारा हो जाता है, तो इस नदी को खारी मीठी नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आप देखें तो फिर जालौर में इस नदी का भाव छित्तर रेल और नेढ़ा कहलाता है। सहायक नदियों की बात करें तो नागौर से निकलती है जोजड़ी नदी, एक सहायक बांडी देखें तो पाली से निकलकर पाली में मिल जाती हैं, पाली से तीन नदियां निकल के बाड़मेर में मिलती हैं, सूकड़ी जवाई और मीठड़ी। अजमेर से निकल के पाली में मिलती है, उसका नाम है लीलड़ी नदी, और फिर ये गुजरात कच्छ के रण और अरब सागर में अपना जल ले जाती, ये लूनी नदी है आपकी, ठीक है। एक बार आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें, अच्छे से एक बार आप इसे देख लें, फिर इसी क्रम में लूनी के उपनाम क्या क्या हैं, लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, वो एक अलग हम थ्योरी के रूप में देख लेते हैं। बाकी जो डायग्राम में समझा दिया उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, एक बार थ्योरी के रूप में अलग से देख लेते हैं, आप इसे एक बार देख लें फिर आगे चलते हैं। क्लियर है यहां तक की स्थिति, बिल्कुल क्लियर है आपकी, ठीक है। इसी क्रम में आगे चलते हैं और इस लूनी नदी की विशेषता और इसकी सहायक नदियों की विशेषताएं देख लेते हैं, अब एक एक करके देखें। इसी क्रम में यदि आगे चलें तो आपको ये तो विशेष रूप से याद है हम पढ़ कौन सी नदी रहे हैं, लूनी नदी, लूनी नदी। और लूनी नदी में आप एक बार देखें तो लूनी नदी का उद्गम, और उद्गम आपने डायग्राम में अभी देखा भी था, इस नदी का उद्गम कहां से होता है, नाग पहाड़ी आना सागर झील अजमेर, आप ये कह सकते हैं नाग पहाड़ी आना सागर झील, आना सागर झील, और ये सब पढ़ते हैं अजमेर, नाग पहाड़ी आना सागर झील अजमेर। इस नदी की यदि कुल लंबाई देखें, कुल लंबाई, तो इस नदी की कुल लंबाई ध्यान रखें 495 किलोमीटर है, और यदि राजस्थान में आप लंबाई देखें तो राजस्थान में इस नदी की लंबाई है 330 किलोमीटर, कुल लंबाई 495 किलोमीटर है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। बांध आपने डायग्राम में देखे हैं, दो बांध हैं, बिलाड़ा बांध जोधपुर में और नाकोड़ा बांध बाड़मेर में। जबकि देखें इस लूनी नदी के यदि बहाव क्षेत्र की बात करें, ये ध्यान रखें अच्छे से, इसका जो बहाव क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र, और पश्चिमी राजस्थान में ध्यान रखें इस नदी का बहाव क्षेत्र कहलाता है गोडवाड़ प्रदेश। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, लूनी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थान में गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और इसी लूनी नदी को ध्यान रखें कालिदास ने अपने ग्रंथों में इस नदी को कहा है अंतःसलिल। लूनी नदी को कालिदास ने अपने ग्रंथों में अंतःसलिल के नाम से लिखा है, या इसको अंतःसलिल कहा है, ठीक है। इसी क्रम में यदि आगे चले तो लूनी नदी ध्यान रखें एकमात्र नदी है,
एकमात्र नदी जो मरुस्थल में बहती है, बहती है, एकमात्र नदी है ये जो मरुस्थल में बहती है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं मरुस्थल में बहने वाली ये एकमात्र नदी है लूनी नदी। ठीक है, इसी क्रम में आप ये कह सकते हैं यहां से जो प्रश्न आते हैं लूनी नदी की सहायक नदियों को लेके हमसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार आप इन चीजों को विशेष रूप से देख लें, फिर हम लूनी की सहायक नदियों की चर्चा करते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। और आपने देखी भी थी अभी इसकी सहायक नदियां और इसकी विशेषता क्या है। जबकि यहां से आप ये कह सकते हो लूनी नदी के उपनाम, उपनाम में देखें तो लूनी नदी को एक तो आप ये कह सकते हैं खारी मीठी नदी, एक तो लूनी नदी को ध्यान रखें खारी मीठी नदी कहते हैं, एक आप ये कह सकते हो इसी को कहते हैं लवणवती, लवणवती भी इसी नदी को कहते हैं, तीन नंबर पे आप ये कह सकते हो इसी नदी को कहा जाता है सर्पाकार, सर्प की तरह बहती है तो इसको सर्पाकार कह देते हैं। इसी क्रम में आपके सामने अभी नाम आए भी थे, इसी को कह देते हैं सागरमती, इसी को कह देते हैं सरस्वती और इसी को कह देते हैं साकरी। ये सबके सब ध्यान रखें लूनी के उपनाम हैं। क्या क्या उपनाम हैं लूनी के? खारी मीठी, लवणवती, सर्पाकार, सागरमती, सरस्वती, साकरी, सभी लूनी नदी को ही कहा जाता है। इसी क्रम में यदि आगे चलें तो फिर ध्यान रखें आती हैं लूनी की सहायक नदियां। एक बार आप इन्हें देख लें फिर हम शुरू करते हैं लूनी की सहायक नदियां। ठीक है, अब देखते हैं लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इसी क्रम में आगे चलें और लूनी की सहायक नदियां, लूनी की सहायक नदियां देखें, एक एक को पढ़ते हुए चलें क्रम से। लूनी की सहायक नदियों में देखें तो एक नंबर पे आपके सामने आई है इसकी सहायक नदी जोजडी नदी। लूनी की एक नंबर की सहायक नदी है जोजडी नदी, और जोजडी नदी को यही याद करें जोजडी को भी, एक तो आप जोजडी का देखें उद्गम, और जोजडी का उद्गम आपको पता है कौन से गांव से होता है? पांडलू गांव से। और एक इसका ध्यान रखें संगम, और ये संगम करती है बाड़मेर जिले में, सॉरी ये जोजडी संगम करती है जोधपुर जिले में, संगम करती है जोधपुर, और जोधपुर में किस नदी में संगम करती है? ये लूनी नदी में, क्योंकि लूनी की सहायक नदी है। ठीक है, और यही जोजडी नदी है विशेषता के रूप में ध्यान रखें लूनी के दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है, और यही नदी है ध्यान रखें जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता। ये लूनी की वो सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली पर्वतमाला से नहीं होता। तो एक तो सहायक नदी कौन सी हुई? जोजड़ी। इसी क्रम में इसकी जो दूसरी सहायक नदी है आप देखें नंबर दो, नंबर दो पे इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है बांडी नदी, बांडी नदी,
बांडी नदी का यदि उद्गम देखें तो हेमावास, हेमावास गांव पाली, और संगम देखें तो संगम ये करती है लाखर गांव, और लाखर गांव भी कहां पड़ता है पाली में, और इसी बांडी नदी पर ध्यान रखें हेमावास गांव में बना हुआ है हेमावास बांध, ठीक है। इसी क्रम में तीन नंबर पे इसकी यदि सहायक नदी देखें नंबर तीन, तो नंबर तीन पे इसकी सहायक नदी आती है सूकड़ी नदी, और सूकड़ी नदी की यदि बात करें उद्गम, तो सूकड़ी नदी का उद्गम होता है देसूरी की नाल, और ये देसूरी की नाल कहां पड़ती है पाली। सूकड़ी नदी का उद्गम देसूरी की नाल पाली से होता है, डायग्राम में देखा था पाली फिर जालौर फिर बाड़मेर, अर्थात ये संगम कहां करती है ये नदी बाड़मेर में, और यही सूकड़ी नदी है ध्यान रखें जिस पर एक बांध बना हुआ है और बांध का नाम है बांकली बांध, और बांकली बांध इस नदी पर बना हुआ है जालौर में। जालौर में देखें तो इस नदी पर ध्यान रखें बांकली बांध स्थित है। कौन कौन सी नदियां आई सहायक, जोजड़ी बांडी और सूकड़ी। इसी क्रम में यदि सहायक नदी के रूप में आप देखें तो इसी क्रम में सहायक नदी के रूप में एक नदी आती है, और इस नदी का नाम है नंबर चार, और एक सहायक नदी इसकी आती है जवाई नदी। जवाई नदी इसकी सहायक नदी है, और जवाई नदी की यदि बात करें एक तो उद्गम यहां से ही देख लेते हैं, उद्गम इस नदी का उद्गम होता है गोरिया गांव, और गोरिया गांव पड़ता है पाली में। जवाई नदी का उद्गम देखें तो गोरिया गांव पाली से होता है, और एक शब्द हमसे पूछता है संगम, और इसके यदि संगम की बात करें इस नदी का यदि आप देखें संगम, तो इसका संगम होता है बाड़मेर जिले में, और बाड़मेर जिले में ध्यान रखें ये लूनी नदी में मिल जाती है, और इसी जवाई नदी पर ध्यान रखें एक बना हुआ है बांध, और इस बांध का नाम है जवाई बांध। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम जवाई बांध है, और जवाई बांध देखें तो ये बना हुआ है सुमेरपुर गांव, और सुमेरपुर गांव पड़ता है पाली में। जो जवाई बांध है ये सुमेरपुर गांव पाली में है, और इसी क्रम में देखें तो जवाई बांध को कहा जाता है, ये विशेष रूप से ध्यान रखें, मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर या मारवाड़ का जो मान सरोवर है वो ध्यान रखें जवाई बांध को ही कहा जाता है। इसी क्रम में चार नदी सहायक हुई, इसी क्रम में देखें नंबर पांच। अब केवल नदियों का नाम ध्यान रखें, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इसके बाद आप देखें तो इसकी एक सहायक नदी आती है मीठड़ी नदी, ये भी इसी की सहायक नदी है। एक इसके बाद आप देखें तो लीलड़ी नदी, ये भी इसी की सहायक है। एक आप देखें तो यहां से आती इसी की जो सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है गुइया नदी, और एक देखें तो इसी की सहायक नदी आती है और इस सहायक नदी का नाम है सागी नदी। सागी नदी ये सब की सब ध्यान रखें लूनी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं लूनी की, जोजड़ी बांडी सूकड़ी जवाई मीठड़ी लीलड़ी गुइया और सागी, ये सब की सब ध्यान रखें लूनी की सहायक नदियां हैं। विशेष रूप से याद रखें
इनके अलावा यदि कोई सहायक नदी देती है या ऑप्शन में कोई सहायक नदी आती है तो ध्यान रखें फिर वो लूनी की सहायक नदी नहीं है। आप ये विशेष रूप से ध्यान रखें, एक बार अच्छे से आप इन्हें देख लें, फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं।